जी, स्थिति तो बहुत गंभीर है, इसलिए थोड़े गंभीर सवालों पर ज्यादा बात कर लेंगे। आपको क्यों लगता है ये स्थिति जो आज आपके प्रदेश में आई है और सारे देशों में, बाकी प्रदेशों में भी आई है, उसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे, नेताओं को या जनता को? ऐसा लगता है सबको जनता को ही ब्लेम कर रहा है कि नेताओं को कोई जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, पहली जो लहर है वो विदेश से आया था और हवाई मार्ग से आया था। दूसरी जो लहर है वो सड़क मार्ग से आया है। खासकर मैं छत्तीसगढ़ के बात करूं, प्रथम लहर में यूके से जो बच्चे पढ़ने गए थे वो आए तो हमारे यहाँ केसेस मिले थे। अभी जो सेकंड स्ट्रेन आया है वो खासकर विदर्भ से और नागपुर से, जहाँ बड़ी संख्या में हमारे लोग, क्योंकि पड़ोस में होने कारण से आवागमन लगा रहता है, रोजी रोटी के लिए भी जाते हैं और बहुत लोग वहाँ निवास भी करने लगे हैं। तो ये होली के पहले, होली मनाने के लिए बहुत सारे लोग गांव में आए और इसके कारण से दूसरी लहर फैली है। पहले लहर में ये था कि 7 दिन में व्यक्ति स्वस्थ होके वापस घर चला जाता था, लेकिन अभी 15 दिन से पहले कोई भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। दूसरा, दोनों में लक्षण में बड़ा अंतर आया है। पहले के लक्षण में सर्दी खांसी बुखार और सर दर्द वगैरह की शिकायत मिलती थी, कभी सांस लेने की तकलीफ, लेकिन अब इन लक्षणों के अलावा भी, या ये लक्षण मिल भी नहीं रहे, सीधा उसके फेफड़े संक्रमित हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है और ऑक्सीजन डाउन हो रहा है। तो पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में बड़ा मौलिक अंतर है और मुख्यमंत्री लक्षण में मुख्यमंत्री भी। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात एक बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पहले तो हवाई जहाज से आया था, हवा से आया था, अब सड़क से आया है। तीसरी बात आप कही है कि नागपुर से आया है। ये नागपुर का नाम जो आपने लिया, क्या लगता है कि नागपुर से ज्यादा लोग आए इसकी जगह? आपके यहाँ संक्रमण हो गया नागपुर से लोगों ने आकर के, महाराष्ट्र जिसमें आपकी सरकार भी, आपकी पार्टी भी शामिल है, वहां से लोग आए और आपके प्रदेश को संक्रमित कर दिया उन्होंने? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। उस दिन एक आंकड़े प्रधानमंत्री बताते हैं, वो के, तो हाँ, आंकड़ों की बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ और उद्धव ठाकरे जी, वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, सेकंड स्ट्रेन विदर्भ में फैला और वो बहुत तेजी से फैला। और आप देखेंगे कि विदर्भ से लगे हुए मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। तो जो छिंदवाड़ा का एरिया है, मंडला है, बालाघाट है, उस एरिया में फैला और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर के क्षेत्र में फैला और ग्रामीण क्षेत्र में फैला। और इसमें संक्रमण पिछले समय आप देखेंगे, मैं एक आंकड़ा दूंगा, मार्च के प्रथम सप्ताह में हमारे पास केवल 1% कोई पेशेंट थे, दूसरे सप्ताह में 1.6 हुआ, तीसरे सप्ताह में 2.8 हुआ, चौथे सप्ताह में 5.8 हुआ, लेकिन अप्रैल में प्रथम और द्वितीय सप्ताह में वो सीधा 17, 24 और 29% तक पहुंच गया। ये संक्रमण भी बहुत तेजी से हो रहा है, हाँ, ये पॉजिटिविटी रेट कैसे? ज्यादा है आपका भैया साहब। मैं फरवरी के अंदर आपके प्रदेश के अंदर लगभग 3,000 केस से एक्टिव जब उस वक्त था, जी आज आपके पास 1,32,000, 1,35,000 के करीब लोग हैं। आपको जी लगता नहीं है कि कहीं नेताओं ने और आपके एक्सपर्ट ने, जो कमिटी थे, वो सब भूल गए, चलो 3,000 हो गए, खत्म हो जाएगा, तो आपने कोई भी एंटिसिपेट नहीं किया फ्यूचर में कुछ हो सकता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए, टेस्टिंग बंद कर दी? एक टेस्टिंग के नंबर देखता हूँ तो पहले से बहुत कम हो गया, आपने टेस्ट करने बंद कर दिए जैसे पिछली तेजी से कर रहे थे। लगता नहीं था कि आप लोगों को लगा, सरकार को लगा, आपके अधिकारी को लगा, चलो ये तो मौज मस्ती करने का जमाना है, सब कर लीजिए, ढिलाई हो गई आपकी तरफ से? नहीं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। जनवरी में हम 22,000 प्रतिदिन टेस्टिंग कर रहे थे, फरवरी में 21,000 हुआ, मार्च में 30,000 प्रतिदिन के हिसाब से टेस्टिंग किए, अब 49,000 से लेकर 53,000 तक के प्रतिदिन टेस्टिंग कर रहे हैं अप्रैल महीने। तो टेस्टिंग में हमारी कमी नहीं आई। सवाल इस बात का है कि यदि सेकंड स्ट्रेन आया पूरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्री में और दूसरे देशों में जब आया, तो भारत सरकार को यह अध्ययन करना था कि सेकंड स्ट्रेन के
लक्षण क्या है, किस प्रकार से आ रहे हैं और उसके उसके इलाज के प्रोटोकॉल क्या है, विदेशों में क्या होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने सेकंड स्ट्रेन के प्रोटोकॉल जारी नहीं किया, जब फर्स्ट फेज में प्रोटोकॉल जारी किया गया था कि ये इलाज आपको करना है, एम्स में आया था, लेकिन अभी तक के सेकंड स्ट्रेन का कोई इलाज का नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जब विदेशों में था चावला जी, मैं यहाँ से मान लो देखूंगा छत्तीसगढ़ से, तो मैं अपने पड़ोसी राज्यों में देख सकता हूँ, लेकिन जो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति है वो पूरी दुनिया को देख रहा है। तो दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी यदि भारत सरकार को नहीं है और उसके साथ से तैयारी भारत सरकार नहीं कर रही है, तो राज्यों की जिम्मेदारी बनती, उसको चेतावनी देना था कि ये सेकंड स्टेट आएगा तो इस प्रकार से उनका बिहेवियर है और आप हमको इस प्रकार से तैयारी करना था, जो कि नहीं हुआ।